सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम सिद्धांत, यू आर वाचिंग सिद्धांत इंडिया। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कनाडा वर्सेस आयरलैंड। बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि कनाडा जाना चाहिए या आयरलैंड। टुडे वी हैव मान्या, जो अभी कनाडा में मास्टर्स कर रही है, एंड मैंने आयरलैंड से करी है, तो हम दोनों कंपेयर करेंगे। सब एस्पेक्ट्स में हम बात करने वाले हैं सब चीज़। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान्या, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि तुमने वहां पे क्या कर रही हो मास्टर्स, और इंडिया से क्या बैकग्राउंड था? या हाय गाइस, माय नेम इज मान्या और अभी मैं कनाडा रिसेंटली आई हूँ। इट्स बिन 2 months। मैंने 1 साल तो इंडिया में ही लगा दिया था बिकॉज ऑफ द कोविड, और अभी मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपना कोर्स कर रही हूँ एंड इट्स फॉर लाइक 8 months। 8 months का मैंने पहले किया था। इट्स अ 1+1 year कोर्स। सो और मैंने पहले ऑलरेडी MBA की हुई है, बट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इशू इन इंडिया तो मुझे यहाँ आना पड़ा। ओके। और जिन लोगों को नहीं पता, मैंने यहाँ से मास्टर्स करी हुई है आयरलैंड से, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, एंड नाउ आई एम डूइंग अ जॉब फ्रॉम 1 ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन चीज से बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का बहुत होता है लोगों की, कितनी होती है बाहर अब्रॉड में, तो कनाडा में कितनी है कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइक हाउस रेंट, ग्रॉसरी रेंट एंड ऑल दैट? अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर शेयरिंग रूम का होता है $350 to $400, और अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो 550 टू इट कैन गो अप टू $700। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रूम लेना चाहते हो, बट ऑन एन एवरेज ये 400 to 500 में आपको मिल जाता है बेसिक अच्छा रूम विद ऑल द यूटिलिटीज। और बाकी बेसिक लिविंग के लिए ग्रॉसरी $400 मैक्स अगर 1 महीने के लिए, और जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज फोन बिल विच विल कॉस्ट यू लाइक $50 per month, और बस एक्सपेंस। यहाँ पर मैं मिसिसागा में रह रही हूँ तो मिसिसागा में प्रेस्टो कार्ड बनता है विच इज फॉर $130। अगर आप किचनर साइड चले जाओगे दैट इज फॉर $90। तो ये मेरे ख्याल से दिस इज द ओनली एक्सपेंस जो बेसिक एक्सपेंस जो होगा ही होगा एवरी मंथ। बाकी तो इट्स अप टू यू, आप क्या शॉपिंग करते हो, क्या आप और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। राइट। आई थिंक हाउस रेंट वहाँ पे कम है इफ यू कंपेयर फ्रॉम आयरलैंड, स्पेसिफिकली डबलिन से, क्योंकि डबलिन में अराउंड कॉस्ट करता है 500 to 700-800 यूरोस अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड करता है किस टाइप का घर आप ले रहे हो। तो वो कैनेडियन डॉलर है, तो वो और कम हो जाता है अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो। तो हाउस रेंट आई थिंक यहाँ पे कम है। बाकी जो आपने बताया लाइक ग्रॉसरी, ग्रॉसरी यहाँ पे अराउंड 100 यूरोस लगते हैं, तो वो कनाडा में आई थिंक ऑलमोस्ट थोड़े सेम ज्यादा है। है। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट मतलब सेम होगा। ऑलमोस्ट कह सकते हैं, थोड़ा फर्क है बहुत। और फोन रिचार्ज यहाँ पे अराउंड 15-20 यूरोस का आपका होता है। एंड एक और था ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मतलब डबलिन बस लेते हो तो कार्ड में अराउंड लगते हैं एज अ स्टूडेंट 80 यूरोस अराउंड पर मंथ। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि मास्टर्स का प्राइस कितना होता है? मतलब वो बहुत वैरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है उसमें मतलब क्या रेंट है, क्या प्राइस है मास्टर्स का? ऑन एन एवरेज अगर आप 2 साल का लेके चलोगे तो इट्स अराउंड $40,000। तो बेटर यूनिवर्सिटी होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगा। ऑन एन एवरेज सारी यूनिवर्सिटी का अराउंड $35,000 to $40,000 ही वैरी करता है, बट इट कैन गो अप टू 50 एज वेल अगर आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस का भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं। जैसे जो मेरा मैं जो कर रही हूँ HR, और पहले मैंने किया था इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, उसका अप्रोक्सीमेटली $20,000 ही ईच था, और अभी HR का भी इतना ही है, तो अराउंड 40K हम एवरेज लेके चल सकते हैं। ओके। एंड आयरलैंड में मास्टर्स के अराउंड लगते हैं, मेरे लगे थे 10,500 फीस, 14,500 होती है अप्रॉक्सीमेटली। एनसीआई में मैंने करी थी, तो स्कॉलरशिप के बाद 10,500 यूरोस लगे थे। एंड अराउंड ये भी वैरी करता है, जैसे कनाडा में है कि मतलब अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से करते हो तो लाइक यहाँ पे 20,000-30,000 यूरोस भी है, 25,000 इतना अप्रॉक्स है, डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती है, बट इफ यू गेट अराउंड 90% ऑफ लाइक 90% मार्क्स होने चाहिए आपके इंडिया में, तो यू कैन गेट सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स एज वेल। बट बट यहाँ पे ऑन ऐसा एन डिपेंड नहीं करता कि इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी या फिर कोई नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो,
जॉब में वो डिपेंड नहीं करता, ऐसा कनाडा में होता है या मतलब डिपेंड करता है आपने कौन से कॉलेज से करी है? यार बेसिकली तो कनाडा में क्या होता है कि तुम्हारा स्किल सेट्स पे डिपेंड करता है, तुम्हारे स्किल्स होने चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा वेरी कर जाता है कि अगर इफ यू आर फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी तो दे विल कंसिडर यू, बट इफ यू आर फ्रॉम एन एवरेज कॉलेज तो थोड़ा सा तो फर्क रहता है, बट एट द एंड आपके स्किल्स पे ही है सब कुछ. राइट इफ यू राइट गॉट द स्किल्स यू विल गेट द जॉब. राइट सो मास्टर्स ड्यूरेशन इन आयरलैंड और कनाडा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस की मास्टर्स कनाडा में 2 इयर्स की होती है। कोई ऐसे भी कॉलेज हाँ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मतलब 1 साल की होती है मास्टर्स? हाँ कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे 1 ईयर भी होती है, ओके बट आई वुड रिकमेंड कि 2 साल की ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो कोर्स होते हैं 8+8 होते हैं, ओके मतलब 1 साल को 8 महीने की तरह काउंट किया जाता है. द कोर्स इज फॉर 8 मंथ्स, तो 8+8 इज इक्वल टू 16 मंथ्स हो जाते हैं. तो यहाँ पे अगर आपको वर्क वीजा चाहिए फॉर 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 16 मंथ्स पूरे करने इनकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि सब 16 मंथ्स का मिनिमम कोर्स लो, ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे पीआर तुम्हारे पॉइंट्स अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो मिल जाती है, बट डोंट टेक द रिस्क. अगर तुम्हें 3 साल का वर्क वीजा मिल रहा है तो इट इज वेरी इजी टू गेट अ जॉब हियर, और फिर उसके बाद पीआर लगनी भी, मतलब यू आर एट नो रिस्क, तो वो मेरे ख्याल से प्रेफर करना चाहिए. राइट राइट यहाँ पे आई थिंक मास्टर्स 1 साल की होती है जहां तक मैंने जिन कॉलेजेस में सुना है, एंड मेरी खुद की भी 1 ईयर की थी, और फिर आपको 2 इयर्स का वर्क वीजा मिलता है। ओके, बट वो यहाँ पे अभी थ्री ऐसे इयर्स का वर्क वीजा मिलता है, बट अगर आप 1 साल की करते हो तो 1 साल का ही मिलेगा, और अगर आप 2 साल की करते हो तो 3 साल का मिलेगा. यहाँ पे भी मैंने आपको सुनने में आया, मतलब ऐसा ऑफिशियली अभी तक आया नहीं, बट सुनने में आया कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो अब आपको 1 साल का ही वर्क वीजा देंगे, बट ये मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ऐसे ही कहीं से सुना था बस अभी। आयरलैंड में या कनाडा में? आयरलैंड में अच्छा आयरलैंड और वहां पे जॉब स्ट्रगल कैसा है, मतलब जॉब सर्च इजी है डिफिकल्ट है कनाडा में इफ यू आर डूइंग अ मास्टर्स उसके बाद? यार इट डिपेंड्स कि आपने किस में कोर्स किया है. जैसे मतलब आई हैव हर्ड कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काफी जॉब्स हैं यहाँ, और मेरे काफी दोस्तों की लग भी गई हैं, दे वर इनटू आईटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डिफरेंट अदर कोर्सेस, और आई गेस विद इन 6 मंथ्स सबकी जॉब लग जाती है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. हाँ मतलब थोड़ा स्ट्रगल तो है, बट द सेम स्ट्रगल इज इन इंडिया एज वेल. कहीं पे भी आपको पका पकाया तो नहीं मिलेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट यू विल गेट अ जॉब. स्ट्रगल तो यहाँ पे भी है, बट इंडिया में थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत लोग हाँ पूछते हैं पॉपुलेशन कि ज्यादा है, मतलब और यहाँ पे क्या होता है ना, डॉलर्स तुम्हें अच्छे लगते हैं, तुम मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे याद है सब डॉलर्स, तो राइट यहाँ पे वो फील आती है कि तुम्हें पैसा मिल रहा है. वहां पे इंडिया में तुम इतना वर्कलोड होता है, ऊपर से एक्स्ट्रा भी अगर काम करते हो तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है. यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वर्क कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो तुम कितना भी एक्स्ट्रा काम करोगे तुम्हें उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे, और तुम्हें अच्छा भी लगता है कि राइट राइट मिल रहे हैं. राइट सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विच सेक्टर इज गुड, मतलब कनाडा में जॉब सर्च करने का कुछ स्पेसिफिक, जैसे आईटी सेक्टर में ज्यादा जॉब्स है, एचआर में है, किस सेक्टर में ज्यादा जॉब्स है? ऑफकोर्स आईटी में तो है ही, इफ यू आर ए कोडर यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं, मतलब या फिर मैं बोलूंगी कि अकाउंटिंग सेक्टर में तुम अगर अकाउंट्स या फाइनेंस में लेते हो तो यहाँ पे काफी जॉब्स हैं. एचआर में भी सुना है, तो 1 साल बाद दोबारा मेरा इंटरव्यू लेना, हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगी कि मेरी लगी या नहीं, कितनी जॉब, कितना स्कोप है जॉब का तब रियलिटी पता चलेगी, बट आई हैव हर्ड की है काफी है. आईटी में तो है ही है, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त हैं जिनकी विद इन टू टू 3 मंथ्स जॉब लगी गई थी, तो आईटी का तो यहाँ पे बहुत स्कोप है, और फाइनेंस का भी है, एचआर का देखते हैं क्या होता है. आपको लगता है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो स्कोप तो यहाँ पे किसी भी चीज का है, इफ यू आर इनटू मार्केटिंग, इफ यू आर इनटू एनीवेयर एल्स, यू हैव द स्कोप इफ यू हैव स्किल्स. राइट राइट मतलब मेरे से बहुत लोग पूछते तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि स्कोप हर जगह है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब डेटा एनालिटिक्स में स्कोप है तो यू शुड गो फॉर इट, साइबर में है तो यू शुड गो फॉर इट। स्कोप डिपेंड करता है आपको उसमें नॉलेज कितनी है, आपके पास स्किल्स हाँ है, इंटरेस्ट एग्जैक्टली कितना है, तो उसमें एट लास्ट आपको जॉब मिल ही जाएगी। आयरलैंड में मतलब आईटी का जॉब्स है ज्यादा, बट यू नहीं है कि आप सबको मिल जाती है, बहुत लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, बहुत लोग वापस भी जाते हैं नहीं मिलती, बट इफ यू हैव स्किल्स तो आपको मिल जाती है। यहाँ पे आईटी को लेकर थोड़ा ज्यादा वो है. आईटी में तो मुझे लगता
लगता है ऑलमोस्ट सबको ही मिल जाती है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता आईटी में किसी को इतना स्ट्रगल करने की जरूरत होती है जितना हम मैनेजमेंट वालों को होती है। मतलब मैनेजमेंट जॉब्स हैं मैनेजमेंट की भी, बट तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है टू शो योर स्किल सेट, और मतलब थोड़ा है। बट आईटी अगर तुम इफ यू आर अ कोडर और इफ यू आर इनटू समथिंग एल्स, तो आईटी का काफी स्कोप है यहाँ पे, और पीआर भी हो जाती है तुम्हें। अगर तुम आईटी से हो तो तुम्हारी पीआर काफी इजी हो जाएगी। राइट, वो मेन कंसर्न है, उससे बहुत लोग जाते हैं कनाडा। हाँ एग्जैक्टली। और मतलब कनाडा में जॉब का कुछ पता है कितनी मिलती है, फॉर एग्जांपल आईटी में एज अ फ्रेशर कितनी है, एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कितनी है, और फिर अलग अलग फील्ड में? कितनी है एज एन मतलब आई डिडंट गेट यू, कितनी है एज एन सैलरी? मतलब सैलरी कितनी है, कितनी होती है आपको? हाँ ऑन एन एवरेज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप कोडर हो तो यू कैन गेट इजिली अराउंड $65,000 अ ईयर, मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो होती है। एचआर की मैं बोलूँ तो इट्स अराउंड 50,000, फिफ्टी टू फिफ्टी 45 to 55 के बीच में वेरी कर सकती है। और हाँ बाकी मैनेजमेंट कोर्सेज की भी 55 to 60 ही वेरी करती है, बट आईटी की यहाँ पे ज्यादा है। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी अभी जस्ट 2 months से गो ही हुए हैं, उसने ज्वाइन किया है, ही इज अ कोडर, तो उसकी जॉब जो लगी है दैट इज $75,000, और वो फ्रेशर ही है, तो इट्स प्रिटी गुड। मतलब राइट। $75,000 फॉर अ फ्रेशर लग जाती है, कोडर्स की तो यहाँ लग ही जाती है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं एक्सपीरियंस्ड पर्सन को कितनी मिलती है? यार। एक्सपीरियंस पर्सन को इट डिपेंड्स, अगर तुम्हें 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आई गेस $1 लाख अबव चली जाएगी तुम्हारी सैलरी आराम से। तो जॉब्स तो यहाँ पे काफी अच्छी हैं, और मेरे को लगता है कि अर्निंग्स भी काफी अच्छी हैं अगर तुम थोड़ा सा पढ़ाई कर लो तो। राइट, एंड एक्सपेंसेस भी कम है। हाँ एक्सपेंसेस भी कम है, मतलब कंपेयरिंग टू आयरलैंड तो कम ही है। राइट, मैं सोच रहा हूँ स्विच कर लेता हूँ कनाडा। हाँ यहाँ तुम्हें काफी पंजाबी मिलेंगे। मेरे को लगने लगा है मैं इंग्लिश भूल जाऊंगी, और अगली बार मैं तुमसे पंजाबी में ही बात कर रही होंगी। मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाबी में कर लेंगे हाँ मैं भी नेक्स्ट। पंजाबी हूँ। बट फिर भी यहाँ पे टिपिकली सब, मतलब यहाँ पे बोर्ड पे भी पंजाबी और इंग्लिश लिखी होती है, यू वोंट हाँ, फाइंड हिंदी, यू मैंने वोंट देखी थी फाइंड, ब्लॉग्स में। लोग बोलते थे कि फ्रेंच लिखी होती है, मेरे को तो कहीं फ्रेंच दिखी नहीं है, सब पंजाबी में बात कर रहे होते हैं या फिर इंग्लिश में, बस दो ही लैंग्वेज है यहाँ पे। ब्रैम्पटन लिटरली, जैसे चंडीगढ़ में गेड़ियां लग रही होती है तो ब्रैम्पटन में गेड़ियां लग रही होती है वैसे, ओपन जीप्स में। हाँ तभी वो दिलजीत का गाना है ना, ब्रैम्पटन लौंदे गेड़ियां। तो पंजाबियों को तो यहाँ पे काफी अच्छा लगता है ब्रैम्पटन रहने में, बट वी प्रेफर मिसिसागा और समवेयर एल्स, ताकि थोड़ा ग्रोथ परस्पेक्टिव से भी अगर देखो, और थोड़ी ग्रूमिंग भी होनी चाहिए यार तो। बट हाँ ठीक है, अगर इफ यू आर पंजाबी तो यू कैन गो टू ब्रैम्पटन, मन लग जाएगा। मुझे लगता है कि इंडिया से बेटर यहाँ पे लोहड़ी दिवाली मनाई जाती है पूरे एकदम शोर शराबे के साथ। तो फील नहीं होगा कि तुम घर पे हो, और यहाँ पे तो ब्रैम्पटन में तो इनफेक्ट यहाँ पे टिफिन सिस्टम भी है, जैसे इंडिया में पीजीज में होता है, तो तुम्हें खाना नहीं भी बनाना है तो बोलते हैं ना कि कनाडा जाना है तो खाना बनाना सीखना, इट्स नथिंग लाइक दैट। टिफिन सिस्टम लगाओ, अराउंड $100 ग्रोसरी आता है, तो अराउंड 150 तुम्हारा टिफिन पड़ जाएगा, 150 मतलब पर मंथ, फिर 150 पर मंथ, तो बहुत सही है, आई बनाने मीन की जरूरत ही नहीं है। फॉर टू मील्स, और हाँ काफी क्वांटिटी, मतलब इट्स लाइक क्वांटिटी काफी इनफ होती है, तो तुम्हारा वो 3 मील्स ही आप कंक्लूड कर सकते हो कि 3 मील में ही कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम इंडिया जैसा ही है। ये चीज तो बहुत ठीक है, मैं और कन्विंस हो गया कनाडा के लिए। हाँ सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि बहुत डिफिकल्ट है फॉर यू आई नो, क्योंकि अभी ओके। स्विच अभी यहाँ पे आई हो कनाडा में। सो पीयर प्रोसेस कैसा होता है, मतलब कुछ आइडिया उसके बारे में? यार पीयर प्रोसेस के लिए मेरे को बहुत ज्यादा तो अभी नॉलेज नहीं है, बट एक WPS करके कोई वेबसाइट है जिसपे, आई गेस WPS ही है, आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, WPS ही होनी चाहिए। उसपे कुछ फॉर्म्स और फॉर्मेलिटीज होते हैं, तो इट्स लाइक कि आपका जो कॉलेज है वो उसके पॉइंट्स होते हैं, CRS पॉइंट्स बोलते हैं उन्हें, तो वो पॉइंट्स आपके पूरे होने चाहिए, तो WPS से आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है। वो कनाडा की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मतलब दे हैव समथिंग लाइक कुछ कोरिलेटेड ही है, तो उस पर
सारे फॉर्म्स अपने सबमिट करके, सारी स्लिप सबमिट करके, सब कुछ उस पर वेरीफाई होता है, और फिर आपको पीआर फाइल आपकी लगवानी होती है. तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीए किया है, जैसे मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो मेरे डिफरेंट पॉइंट्स हैं. बट अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमबीए किया है या कोई भी मास्टर्स किया है, तो उसके अलग पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो एमबीए मतलब मास्टर्स काउंट नहीं होगी, वो डिप्लोमा काउंट होगा उनके अकॉर्डिंग, तो उसके ओके अलग पॉइंट्स होते हैं. तो वो आपको सारी कैलकुलेशन उस वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसके बाद आप पीआर फाइल अपनी अप्लाई कर सकते हो. बेसिकली यहाँ पे 470 पॉइंट्स अराउंड चाहिए होते हैं ऑन एन एवरेज, जो कि अगर आपने वहां पर मास्टर्स कर रखी है तो आपके ऑलमोस्ट बन जाते हैं. मेरे अराउंड 450 हैं, अभी मैं कोर्स कर लूंगी तो इट विल बी अराउंड 470. बस बस मैंने 2 साल का कोर्स इसलिए किया था कि मेरा वर्क वीजा ज्यादा हो जाए, ओके तो वरना मेरे पॉइंट्स ऑलमोस्ट थे, बट क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना था तो मैं 2 साल का कोर्स कर रही हूँ. तो आप वहाँ पे सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, और सीआरएस कैलकुलेटर होता है गूगल पे, वहाँ पे आप अपने पॉइंट्स देख सकते हैं कि कितने हैं. तो आइडिया लग जाता है कि कब तक पीआर फाइल आप अप्लाई कर सकते हैं. यूजली अभी क्या सिनेरियो चल रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप स्टडी के बाद डायरेक्ट कर सकते हो अप्लाई. तो पहले ऐसा नहीं था, पहले 1 ईयर वर्क वीजा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता था. बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत करो, क्योंकि क्या है कि बच्चे कर तो रहे हैं बट उसमें 2 2 साल की क्यू है. आपको 2 साल तक पीआर नहीं मिलेगी, वो इतने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है कि वहाँ 2 2 साल लग जाते हैं. तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं पहले 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके डायरेक्ट फाइल अप्लाई कर दूंगी, ताकि मेरे वो जब आप उस प्रोसेस से जाते हो दैट इज इजी, उसमें आपको 6 महीने में ही पीआर आ जाती है. बट अगर आप स्टडी के बाद ही डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो 2 साल भी लग सकते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 1.5 साल तो लगता ही लगता है. ओके, वो लिंक मेरे साथ शेयर कर देना, जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ हाँ मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इजीली पेरेंट्स को ला सकते हैं कनाडा में आफ्टर पीआर या फिर पहले, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं आयरलैंड के बारे में, तो आयरलैंड में तो मुश्किल है बहुत, मतलब आप पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए पेरेंट्स, कुछ प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उनके पास इंडिया में, और बहुत डिफिकल्ट है मतलब लाना। बट कनाडा में कैसा है मतलब ये केस? यार कनाडा में इजी तो नहीं है ऑब्वियसली, बट अगर मैं आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करूँ तो काफी इजी है. मतलब अगर आपकी पीआर लग गई है तो इट्स लाइक मेरे ख्याल से सेम प्रोसेस है स्पाउस वीजा की तरह. बिल्कुल जैसे स्पाउस वीजा लगता है वैसे पेरेंट्स का वीजा लगता है, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. तो मतलब आई गेस 4 to 5 years तो लग ही जाते हैं प्रोसेस में, क्योंकि काफी अभी कोरोना की वजह से वैसे भी काफी डिले हो रहा है. बट मेरा ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वहां पे इट टेक्स अराउंड 16 years अगर आप ऑन एन एवरेज लेकर चलो. तो अगर आप कुछ जुगाड़ लगाकर चल रहे हो दैट इज अ डिफरेंट केस, कि 4 5 साल में हो जाएगा, कि आप ज्यादा पैसे देकर या कुछ आपका कुछ और जुगाड़ है. बट अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से चल रहे हो, जो गवर्नमेंट का लीगल प्रोसेस होता है, वो अराउंड 16 years लग जाते हैं. तो 16 years में तो पता नहीं क्या होगा. तो कनाडा में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4 5 साल में इजिली हो जाता है. बट हाँ प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट ही है, हर कंट्री में डिफिकल्ट है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो इजी है और कंट्रीज के कंपैरेटिवली. बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है ही. हाँ मतलब यहाँ तो बहुत मुश्किल है, तो उस हिसाब से मतलब कनाडा में नहीं नहीं तभी सब कनाडा आते हैं अब. 2 साल बाद में तुम्हें भी कनाडा में ही देख रही होंगी. मुझे लग रहा ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इंटरेस्ट होता है लोगों को इसमें, कि मतलब कनाडा में हाउस कितने का मिलता है और कार्स कितनी मिलती है। कार्स तो मतलब मैंने देखा है बहुत सस्ती मिलती है, बाकी वो मतलब जो वहां पे रहता है उनको ही मेन पता है, बट यहाँ पे तो महंगी है, मतलब इंडिया से भी महंगी है। इफ यू आर बाइंग अ न्यू कार, सेकेंड हैंड सस्ती मिल जाती है बहुत, बट इफ यू आर बाइंग अ न्यू कार तो इंडिया से भी महंगी, और घर बहुत महंगे, अराउंड 400,000 यूरोज, 500,000 यूरोज, इस इतने से स्टार्ट होते हैं, मतलब अगर आप सही घर लेते हो। यार अगर मैं कार की बात करूँ तो कार तो यहाँ बहुत चीप है, मतलब तुम्हें फ्री में भी गाड़ी मिल सकती है, इट्स लाइक दैट. ठीक है, तुम्हें $2,000 में गाड़ी मिल सकती है. मेरे एक दोस्त ने $600 में गाड़ी ली थी. $600 इज लाइक 30,000 अराउंड हाँ, अप्रोक्सीमेटली, सेकेंड हैंड कार, राइट? और हाँ सेकेंड हैंड कार, और उसने आई गेस 1 साल चलाई और $600 में ही बेच दी. तो यहाँ पे कार्स तो काफी चीप है. मेरे एक और फ्रेंड ने अभी रिसेंटली मस्टैंग लिया है फॉर लाइक $5,000. $5,000
इज लाइक 3 लाख रुपीज मस्टैंग। बट ये कि तुम्हें मेंटेन करना पड़ता है, और अगर तुम मस्टैंग ले लोगे तो उसका यहाँ पे गाड़ी से ज्यादा गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, तो होता उसका इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा होगा। तो एक तो मेंटेनेंस और एक इंश्योरेंस, तुम्हें दोनों पे करने पड़ेंगे। उसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि एवरेज गाड़ी ही लें, बट यहाँ पे सेकेंड हैंड गाड़ी तो यहाँ पे बहुत चीप है। अगर इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक 5-6 थाउजेंड डॉलर्स, तुम्हें बहुत ही अच्छी गाड़ी मिल जाएगी स्टूडेंट को अगर चाहिए तो, और तुम 2-3 साल उसमें आराम से अपने निकाल सकते हो। देन यू बाय अ न्यू कार, और अगर न्यू कार लेनी है तो अराउंड 30-40 थाउजेंड डॉलर्स, उसका इंश्योरेंस होता है अराउंड $300 पर वीक, और या फिर इट वीक कैन गो अप टू लाइक, हाँ पर वीक इट कैन गो अप टू लाइक $800 पर मंथ। मतलब $800 तो आई गेस फॉर अ न्यू कार लगेगा ही लगेगा मिनिमम इंश्योरेंस। और अगर आप सेकेंड हैंड लेते हो तो उसका इंश्योरेंस फिर चीप हो जाएगा, इट्स लाइक $150 और मे बी $400 फॉर अ मंथ। मतलब डिपेंड डिपेंड कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो, सस्ती या महंगी। जितनी जितनी ज्यादा महंगी लेते जाओगे उतना ज्यादा इंश्योरेंस होता जाएगा। तो गाड़ी यहाँ एक्सपेंसिव पे काफी चीप रहेगा। है। हाँ क्या यहाँ पे चीज? मतलब कार्स चीप है, अगर सेकंड हैंड लेते हो तो मतलब BMW विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 15,000 euros, बट वो मतलब कनाडा से तो महंगी है, बट वैसे यहाँ पे सेकंड हाँ हैंड है, मतलब बट इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है। लाइक हाँ, इफ यू आर मेन तो इंश्योरेंस ही है, इंश्योरेंस भरते। और अगर आप ब्रैम्पटन या मिसिसागा जैसी जगह रह रहे हो, वहाँ इंश्योरेंस डबल है। इनफैक्ट अगर आप किचनर या कुछ ऐसे छोटी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे इंश्योरेंस थोड़ा कम है, बट यहाँ पे डबल हो जाता है। यहाँ इट्स लाइक $400, और अगर आप किचनर साइड जाओगे या फिर कोई विंडसर साइड जाओगे तो इट्स लाइक $200। ओके तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपने गाड़ी एग्जैक्टली ली कहाँ से है, मतलब आप कहाँ पे हो। गाड़ी आप विंडसर से ले आओगे, बट आप अगर ब्रैम्पटन में रह रहे हो तो इंश्योरेंस आपको ब्रैम्पटन के अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ेगा। ओके एंड घर कितने के मिलते हैं वहां पे? घर यहाँ यार, अगर अभी तो काफी रेट्स बढ़ गए हैं कोविड के बाद, तो मिलियन से शुरू हो जाते हैं आपके घर। तो एवरेज अगर कॉन्डोज की बात करूँ, कॉन्डोज इज लाइक अपार्टमेंट्स 2 BHK, तो वो 1.5 मिलियन का मिल जाता है। तो फिर बट इट कैन गो अप टू लाइक 4-5 मिलियन एज वेल। तो मतलब अगर हाउस थोड़ा वाइज तो सेम ही है, मतलब आयरलैंड और हाँ कैनेडा आउटस्कर्ट्स में लो तो 1-1.5 मिलियन का मिल जाएगा, विच इज अराउंड अराउंड 3 to 3.5 करोड़ INR। तो इतने से बट ठीक है, अगर इफ यू आर टू, मतलब अभी सिंगल में तो नहीं हो पाता है घर, बट अगर तुम दो लोग हो तो तुम इजिली घर अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मंथली EMI आई गेस यहाँ पे 20-20 साल के लोन होते हैं एज इंडिया ओनली। तो अराउंड $4,000 आपका मंथली EMI चला जाता है, तो इतना तुम अर्न कर लेते हो, तो इतना मुश्किल नहीं है, इतना टफ तो नहीं है। बट हाँ, दो जने हो तो इट्स बेटर, एक जना हाँ तो यहाँ पे नहीं भी कर मतलब ऐसा पाएगा। है कि एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इफ हाँ, एक यू बंदा थोड़ा ले सकते डिफिकल्ट हैं। हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल उसकी बहुत ही अच्छी जॉब है, बट दो दो लोग तो अफोर्ड कर सकते हो। लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक घर अपने स्पाउस के नाम पे ले लेते हैं और उसे रेंट पे चढ़ा देते हैं, और रेंट यहाँ पे इतना ज्यादा है कि उसी से EMI निकल आती है। तो एक घर तुम्हारा वैसे बन गया, और एक घर खुद पे ले लेते हैं तो उसकी EMI वो दोनों खुद भरते रहते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे एक की जगह दो घर बन गए। तो यहाँ पे भी ऐसा है, मतलब रेंट बहुत ज्यादा है तो लोग लेके रेंट पे चढ़ा देते हैं। हाँ, ये यहाँ पे काफी अच्छा स्कोप है रेंट का। मैं भी फ्यूचर में ऐसा ही करने वाली हूँ। बेस्ट थैंक ऑफ लक फॉर दैट। यू। तो आई थिंक मेरी यही क्वेरीज थी, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग, और आई थिंक व्यूअर्स को हेल्प होगी इससे, एंड बेस्ट ऑफ लक हाँ फॉर योर मास्टर्स और PR के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू टू। थैंक यू। और कुछ भी सवाल हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। हाँ श्योर, व्यूअर्स और वहां पे मतलब लिंक्डइन यू का। कैन यू नो यू कैन पुट माई यूट्यूब चैनल लिंक। आई हैव अ ओके चैनल बट आई एम नॉट दैट एक्टिव, सो आई विल गिव यू द लिंक, यू कैन पुट इट इन द ओके आई डिस्क्रिप्शन। विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन। या श्योर, सो चलो मिलते हैं फिर। हाँ कभी कनाडा आते हैं तो मिलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, या मैं इंडिया जाऊंगी तो लंदन या आयरलैंड होते हुए जाऊंगी, अगर हाँ कोविड खत्म हो जाता है तो। ओके लंदन हाँ, तो बीच में ही आता है। हाँ लंदन तो बीच में ही आता है। हाँ तो बस मिलते हैं फिर जल्दी। श्योर, चलो ठीक है, बाय बाय, सी बाय यू। बाय। ओके बाय।